हेलो फ्रेंड्स, हाई टेक ट्रेड में आप सबको नमस्ते। फ्रेंड्स, आज इंट्राडे का और एक बहुत ही सिंपल और बहुत एक धमाधार इंट्राडे का टेक्टिक लेके आया हूँ। तो आप सबका पास मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही कमाल का वीडियो है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। आज का जो स्ट्रेटेजी है, इसका जो एक्यूरेसी है अबव 95% है। मैं अभी पूरा प्रूफ का साथ आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रेटेजी काम करता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल में न्यू है, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज का टेक्निक अच्छा लगता है, प्लीज मेरा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सुबह मार्केट जैसे ओपन होता है, मान लीजिए 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, तो अगर मार्केट प्लस में है तो आपको टॉप 10 जो गेनर है, गेनर का जो स्टॉक है उसको वॉच करना है। क्या करना है आपको, तुरंत ये जो टॉप 10 गेनर का जो स्टॉक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख देना है। देने के बाद आप चुपचाप बैठिए, कुछ काम मत कीजिए। आपको फिर क्या करना है, आधा घंटा 45 मिनट बाद फिर एक बार इस जो टॉप टेन गेनर है इसमें आना है, आके देखने कौन सा स्टॉक इस लिस्ट में नया आ गया, नया घुस गया। मतलब पहले सुबह कुछ स्टॉक था और अभी दूसरा कुछ नया स्टॉक इसमें आ गया। आपको क्या करना है, नया जो स्टॉक इसमें एंट्री हुआ उसी स्टॉक में आपको उसको, मतलब आपका जो वॉच लिस्ट है उसमें डाल देना है। जैसे आज 6 फरवरी, आज का जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो उस टाइम में ये जो आपको SBI दिख रहा है, आप इंडसइंड बैंक दिख रहा है, ये टॉप 10 गेनर में नहीं था, वो क्या किया बाद में आया। तो इसका टेक्निक क्या बताता हूँ, तो सिंपल, पहले आपको क्या वॉच करना है, सुबह जो स्टॉक यहाँ पे था 10 बजे के आसपास, नहीं 10 बजे के बाद में कुछ नया एक दो स्टॉक यहाँ पे आ गया, उस स्टॉक को आपको लिस्ट में डाल देना है। और उसमें ट्रेड कैसे लेना है चलिए बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, टेक्निक बताने का पहले मेरा छोटा सा डिस्क्लेमर है, प्लीज देख लीजिएगा। और ये मेरा कुछ सर्विस चलता है, आप देख लीजिए। चलिए टेक्निक देखता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें सिंपल स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। आपको टाइम फ्रेम रखना है ओनली 15 मिनट का नॉर्मल कैंडल, ओके, और एक ही आपको इंडिकेटर चाहिए VWAP, ठीक है, और कुछ इंडिकेटर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए सुबह ये जो SBI है, फॉर एग्जाम्पल SBI आज सुबह पहले टॉप इंडिकेटर में नहीं था, वो क्या बाद में एंट्री हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या देखना है, मान लीजिए ऐसा कोई स्टॉक चाहिए तो सुबह ओपन दे, ओपन देने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अच्छा करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद जब दोबारा फिर ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बात आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सिंपल क्या करना है, ये जो फास्ट कैंडल है, फास्ट कैंडल का हायर लो आपको मार्क कर लेना है। देखिए ना यहाँ पे आपको, जैसे ये आपका फास्ट कैंडल है, ठीक है, 6 तारीख का, तो इसका हाई और लो आप मार्क कर दीजिए। और स्टॉक को जितना करेक्शन होने का था हो गया, होने के बाद दोबारा जब प्राइस बीएफ को ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, और ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो आपको इस कैंडल का हाई को जब ब्रेक करेगा, इस कैंडल का हाई का ऊपर थोड़ा सा, जैसे SBI 300 का शेयर है तो इसका एटलीस्ट आप थोड़ा बफरिंग रखिएगा, 25% ऊपर आपको बाई कर लेना है। और आपको टारगेट क्या रखना है, ये जो लेंथ है, जितना इसका लेंथ है इतना आपको स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका डबल आपका टारगेट रहेगा, एटलीस्ट 1:1 तो होना ही चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये जो फर्स्ट कैंडल का जस्ट लो का नीचे, और टारगेट इसका लेंथ निकाल लीजिए। मान लीजिए अगर इसका लेंथ 2 रुपये है तो 4 रुपये आपका टारगेट रहेगा, 2 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, देखिए आप इंडसइंड बैंक देखिए, ये फास्ट कैंडल है, इसका हाई लो मार्क कीजिए। ये सुबह टॉप 10 गेनर में नहीं था, देखिए स्टॉप ओपन दिया, अच्छा करेक्शन हुआ, फिर जब देखिए दोबारा जब ऊपर गया तो देखिए ये VF को ऊपर भी चला गया प्राइस, और देखिए जब ये फास्ट कैंडल है इसका हाई को ब्रेक किया, देखिए जबरदस्त गुम हो गया। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हॉर्मोन नहीं करना है, आप थोड़े देर बाद इसमें आना है, 10-10 मिनट में आना, 15 मिनट में बाद में इस टॉप 10 गेनर में आना है, और आपको जस्ट देखना है इसमें कौन सा स्टॉक न्यू आ गया, नया एंट्री हो गया, बस उसको वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। और मैं जो वहां पे क्राइटेरिया बताया, उस स्टॉक ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा ओपन देने के बाद थोड़ा सा नीचे गया, मतलब करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद जब दोबारा ऊपर जा रहा है, तो वहां पे कंडीशन क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई में जाके आपको लेना है, जब फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होगा तब, और उस टाइम में बीएफ का ऊपर भी प्राइस होना चाहिए, ठीक है। देखिए बजाज फाइनेंस, देखिए ये बजाज फाइनेंस का है, देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कीजिए,
ये देखिए ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर गया था, फिर देखिए करेक्शनों के लोग नीचे आया, फिर देखिए दोबारा जब देखिए ऊपर गया, ये जो फास्ट कैंडल है फास्ट कैंडल के ऊपर जाके जब ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और वीएफ को ऊपर भी क्लोजिंग दिया, तो देखिए स्टॉक कितना ऊपर भागा। तो डेली आपको ये जो टॉप 10 गेनर है इसमें डेली दो तीन स्टॉक ऐसा मिल ही जाएगा जो सुबह बिल्कुल नहीं था। जैसे मान लीजिए मार्केट सुबह जैसे ओपन हुआ 9:15 को 9:20 में, यहाँ पे नहीं होगा, आधा घंटा बाद सडनली अचानक से देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा वो स्टॉक, उसी को आपको टारगेट करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सुबह जस्ट आपको देखते रहना है, 5-10 मिनट बाद आप जस्ट चेक कीजिए इसमें कौन सा स्टॉक नया आ गया। जैसे सुबह जो जील है सबको ऊपर था, देखिए बाद में नीचे आ गया, तो और ये SBI आपका इंडसइंड बैंक इस लिस्ट में था ही नहीं, सब बाद में आया और देखिए कितना अच्छा से ऊपर गया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप समझ गए होगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी और बहुत जबरदस्त काम करता है, इतना अच्छा स्ट्रेटेजी है, बट आपको कोई भी बड़ा एक्सपर्ट भी आपको बताएगा नहीं स्ट्रेटेजी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आशा करता हूँ समझ गया होगा। फिर भी अगर आप अगर कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वहां पे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करेगा आपका हर क्वारी का जवाब देने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आज का टेक्निक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज जितना ज्यादा हो पाता है ये जो टेक्निक है सबको शेयर कीजिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, सबको मार्केट से अर्निंग करने के लिए मौका दीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जाने का पहले मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मैं डेली इंट्राडे का कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसका चार्जेस ओनली 1000 पर मंथ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर बैंक निफ्टी का कॉल चाहिए इंट्राडे का, इसका मंथली चार्जेस 3000। और अगर आपको BTHT स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉल चाहिए, इसका चार्जेस बहुत कम है ओनली 2000 फॉर 3 मंथ, आपको बहुत अच्छा अर्निंग यहाँ पे हो सकता है। फ्रेंड्स अगर आपका डीमेट अकाउंट अपस्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग और आस्था ट्रेड में, ये तीनों में से किसी एक ब्रोकर में हो जाता है ओपन हो जाता है मेरे अंडर में, मैं डेली आपको इंट्राडे का कॉल फ्री में दूंगा और ऑनलाइन कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा इंट्राडे का। और फ्रेंड्स अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग में जो ब्रोकरेज है बहुत ही कम है, आस्था का भी कम है, तो आप किधर भी आप खोल सकते हैं। ये तीनों का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे को इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स और एक चीज, अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, आप ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में, ओके फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये जो आज का स्ट्रेटेजी बहुत काम में आएगा, आप लोग पहले कुछ दिन इसमें प्रैक्टिस कीजिए, देखिए स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, बहुत अच्छा सिंपल स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको अर्निंग कंटिन्यू बेसिस का करना है तो आज का स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छा वर्क करता है, 90-95% का ऊपर इसका एक्यूरेसी है, ओके फ्रेंड्स। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।